Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. This is Muhammad Ashjar Khan, your English language teacher. Today we will record another video of synonyms. In this video, we will discuss paw, talons, and claws. Paw ka kya matlab hai? In tino ka matlab Urdu mein panja hai. Paw ka matlab panja, talon ka matlab panja, claws ka matlab panja. पाँव कौन सा पंजा है? पाँव वो पंजा होता है जिसके पंजे छोटे हो और उसका एक पाम हो, एक हथेली हो थोड़ी सी, जैसे शेर, चीता, बिल्ली वगैरह, जैसे शिकारी जानवर होते हैं, उनके छोटे छोटे पंजे होते हैं और एक पाम होता है, या बंदर, उसका भी एक पाँव होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी हथेली होती है, तो उसको पाँव कहते हैं, ठीक है. द कैट किल्ड अ रैट विद इट्स पा, यानी कैट बिल्ली ने एक चूहे को अपने पंजे से मारा, ठीक है, पाज. टैलन, टैलन क्या है? टैलन शिकारी परिंदे, जैसे ईगल हो गया, बाज, उकाब, वो शिकारी परिंदे जो छोटे परिंदों या छोटे जानवरों को अपने पंजों में उठाकर ले जा सके, उनके पंजों को हम टैलन बोलते हैं. For example, the eagle took away a mouse in its talons. आप देखें उसको तो उसमें कोई मामूली सा वेब होता है, लेकिन उसमें हथेली कम होती है और पंजा ज़्यादा होता है. पंजे यानी उंगली टैप उनमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हथेली बहुत छोटी होती है, तो उसको टैलन बोलते हैं, यानी शिकारी परिंदे का पंजा जो है उसको टैलन बोलते हैं, ठीक है. द ईगल टुक अवे अ माउस एंड इट्स टैलन्स. क्लॉज, क्लॉज आम परिंदे जो होते हैं उनके पंजों को क्लॉज बोलते हैं, ठीक है. जैसे द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड इट्स क्लॉज, कौए के पंजे में एक रोटी का टुकड़ा था, ठीक है. तो द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड इट्स क्लॉज. क्लॉज क्या हो गया? छोटे परिंदे जो होते हैं, जो ज़्यादा बड़े परिंदों का शिकार नहीं कर सकते, उसको, इसके लिए हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है. आई होप कि आप पॉज, टैलन्स एंड क्लॉज के दरमियान जो फ़र्क है वो समझ चुके. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा लें. बहुत शुक्रिया.